साथियों, देश की सेना को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार उसे अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बियां, जहाज और अन्य हथियार से युक्त कर रही है। राष्ट्रहित को नजरअंदाज करते हुए जो फैसले कई दशकों से रुके हुए थे, उन्हें अब एक के बाद एक प्रायोरिटी के आधार पर लिया जा रहा है। सेना के लिए अत्याधुनिक राइफलों को खरीदने और भारत में बनाने का काम भी हमारी सरकार ने ही शुरू किया है। हाल ही में सरकार ने 72,000 आधुनिक राइफल की खरीदी का ऑर्डर दिया है। साथ ही हमारी सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए का एम्यूनिशन यानी गोला बारूद और गोलियां मिशन मोड में खरीदी है। साथियों, साल 2009 में सेना ने 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग की थी। बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के हमारा जवान दुश्मनों की सेना की गोलियों और आतंकियों की छापामार कार्रवाई का सामना कर रहा था। अपनी जान की बाजी लगाकर आतंकियों के साथ खतरनाक एनकाउंटर कर रहा था। साथियों, 2009 से लेकर 2014 तक 5 साल बीत गए, लेकिन सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदी गई। ये हमारी ही सरकार है जिसने बीते 4.5 वर्षों में 2,30,000 से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदे हैं। अब आप बताइए, हमारे जवानों को सुरक्षा कवच से वंचित रखने का पाप किया गया कि नहीं किया गया? ये पाप, ये कलंक किसके माथे पर है? साथियों, जवानों के साथ देश की सुरक्षा के साथ भी ऐसी ही आपराधिक लापरवाही बरती गई है। पहले सरकार चलाने वालों का रवैया सेना को लेकर कैसे रहा, ये मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। सेना और देश की सुरक्षा को उन लोगों ने अपनी कमाई का साधन बना लिया था। शायद शहीदों को याद करके उन्हें कुछ मिल नहीं सकता था, इसलिए उन्हें भुलाना ही उन्हें आसान लगा। साथियों, बोफोर्स से लेकर हेलीकॉप्टर तक सारी जांच का एक ही परिवार तक पहुंचना बहुत कुछ कह जाता है। अब यही लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं कि भारत में राफेल विमान आ ही ना सके। साथियों, अगले कुछ महीनों में जब देश का पहला राफेल भारत के आसमान में उड़ान भरेगा, तो खुद ही इनका सारी कोशिशों का, साजिशों को ध्वस्त कर देगा। साथियों, देश की सेना को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। जिन फैसलों को कभी नामुमकिन समझा जाता था, उन्हें हम मुमकिन बना रहे हैं। हमने रक्षा उत्पादन के पूरे इकोसिस्टम में बदलाव की शुरुआत की है। लाइसेंसिंग प्रक्रिया से एक्सपोर्ट की प्रक्रिया तक
हम पूरे सिस्टम में पारदर्शिता और लेवल प्लेइंग फील्ड ला रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए भी हमने कदम उठाए हैं। अब 49% तक एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से किया जा सकता है और कुछ क्षेत्रों में 100% एफडीआई का भी प्रावधान किया गया है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर यानी रक्षा सामानों की खरीद में भी हमने बड़े बदलाव किए हैं। इसमें मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी प्राइवेट सेक्टर, जिसे रक्षा उत्पादन में एंट्री करने में भी हिचकिचाहट होती थी, 2014 के मुकाबले अब 3 गुना ज्यादा निजी कंपनियां डिफेंस सेक्टर के प्रोडक्ट्स बना रही है। हम डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया को निश्चित समय में पूरा करने के लिए भी प्रयासरत है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय और सर्विस हेडक्वार्टर्स की फाइनेंशियल पावर्स, उनके वित्तीय अधिकार में बढ़ोतरी भी की गई है। और यह पहली बार हुआ है कि हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के आयुध कारखानों को 250 से अधिक नॉन कोर आइटम के भार से भी हमने मुक्ति दे दी है। अब हमारी सेनाएं बिना किसी एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के इन आइटम्स को निजी क्षेत्र से खरीद सकती है। साथियों, भारतीय सेना की शक्ति को आज वैश्विक पटल पर सम्मान भी दिया जा रहा है। एक ऐसी सेना जो शांति की स्थापना के लिए हथियार उठाती है। भारत वो देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के लगभग 70 में से 50 बड़े मिशनों में अपने 2 लाख से ज्यादा सैनिक भेजे हैं। भारत वो देश है जिसके सबसे ज्यादा सैनिक इन शांति अभियानों में शहीद हुए हैं। भाइयों और बहनों, ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि आज हमारे प्रयासों में दुनिया के बड़े बड़े देश हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। यही कारण है कि 2016 में हमारे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में 50 देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया था। यही कारण है कि एक के बाद एक देश हमारे साथ रक्षा सहयोग के समझौते करना चाहते हैं। यही कारण है कि हमारी सेनाएं मित्र देशों की सेनाओं के साथ हर साल औसतन 10 बड़ी जॉइंट एक्सरसाइज कर रही है। साथियों, हमारे वैश्विक विजन की वजह से ही आज विश्व में भारत की सेनाओं का एक अलग सम्मान है। आज यदि हिंद महासागर से पायरेसी करीब करीब समाप्त हो गई है, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय भारतीय सैन्य शक्ति और उसकी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को जाता है।